भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं। क्या टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के साथ सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम। इसको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे, तो सत्य से दूर है वो कर रहे हैं। इसका एवरेज सुनिए। अरे आप देख लीजिए, आप देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात ना करें प्लीज। लगे कि उच्च सदन ने देश को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे हम सब मिलजुल के इसको सामना करेंगे। तो हम सब ये संयम रखें कि थोड़ा टिक्का टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के हिसाब से पूरे गंभीरता सजेशन आप सब बना रखेंगे। लेकिन समय की कमी होने से मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं बोले तो, जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है वो कर रही है। इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज अर्बन टाउन्स ये 7935 है, तो इसमें एक 10 भी अगर आप एवरेज ले लिए तो 7,93,500 है। नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 18 है, 20,000 इसका 3,60,000 तो एवरेज 52,43,000 तक आता है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना जो है कि सिर्फ 4-5 लाख हो गए हैं और उनके बारे में वो हमेशा यही बात बोलते हैं। यहां तक भी मैं अपने बात को एक ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। दूसरा, मैं सभापति जी 2020 में कोविड महामारी के इतने घातक नतीजे होंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है, इसीलिए आरंभिक दौर में ही कोई भी इस मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास सुझाव है, हमारे नेताओं ने भी सुझाव दिया था और आप देखेंगे बहुत से मीडिया में भी जितने भी सुझाव आए हैं नेता को छोड़ के वो कई प्रश्न डाले हैं, उनका उधर अगर ध्यान वो लोग देते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ, 8 बजे जैसा दिन अपना नोटबंदी का हुआ वैसा ही इसका लॉकडाउन हुआ रात के 8 बजे ही। भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह पे रहना या तो उस बाहर नहीं आना। तो उन्होंने ये 24 मार्च को इसके बाद घोषणा की। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज।